ये आप देखो बेसिकली इसमें क्या लगा हुआ है भाई? लहसुन लहसुन बेसिक चीनी है, लहसुन लहसुन बड़ा लहसुन अलोंग विद चिली। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द एडवेंचर्स ऑफ पाकिस्तान। और आज का जो प्लान है ना, आज प्लान बताने से पहले बताऊं कि आज जा रहे हैं बलूची टिक्का खाने। और रमज़ानों में अभी तक हमारा कोई प्लान बना नहीं था, तो आज इफ्तार पार्टी का सडनली प्लान बना। और सडन प्लान बनते ही हमने प्लान किया कि क्या डिसाइड करें। तो अब सिनेरियो ऐसा है कि ट्रैवलिंग करें और बंदा फूड ब्लॉगिंग ना करे, तो मतलब ऐसा कैसे हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हम ट्रैवल करते हैं और हम जगह जगह जाके डिफरेंट डिफरेंट फूड्स इंजॉय करते हैं, लेकिन हम आपको इतना ज़्यादा दिखाते नहीं हैं। बट कुछ हमारे कुछ फैंस हैं, कुछ सब्सक्राइबर हैं, जिन्होंने कहा कि हसनैन भाई, आप जब जाते हो किसी ऐसी जगह और कोई ऐसी डिलीशियस सी डिश जो आवाम को पता होनी चाहिए या जो लोग एक्सप्लोर करते हैं और आपका एक्सपीरियंस जिस तरह रहता है, तो वो भी आप हमसे शेयर किया करें, ताकि हमें पता चले कि आप जिन जगहों पे जाते हैं वहाँ पे फूड ब्लॉगर्स इतनी आसानी से नहीं जा पाते हैं। तो आज तो खैर ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पे फूड ब्लॉगर क्या कोई भी जा सकता है ईज़िली, सुपर हाईवे। और प्लान कुछ ऐसा है कि बलोची टिक्का खाते हैं आज चलकर सुपर हाईवे का पाकिस्तान होटल, जो बहुत ही फेमस है और हम पहले कई दफ़ा वहाँ जा चुके हैं। आज सोचा कि आज जब जा रहे हैं तो इफ्तार पार्टी के साथ साथ थोड़ी सी मतलब इसमें थोड़ा फूडी मूड भी हो जाए, थोड़ा कि फूड वगैरह के बारे में भी थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दें आपको, क्योंकि आजकल मैं ये देख रहा हूँ कि लोग फूड ब्लॉग्स इतना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा कैटेगरी अपनी इस तरफ भी लेके आया जाए। तो अभी हम इस वक्त करंटली अब सोच रहे होंगे कि घर से ब्लॉग क्यों नहीं बनाया, तो घर से ब्लॉग इसलिए नहीं बनाया कि रास्ते में से हमारे दो दोस्तों को लेना था और हमने दो दोस्तों को ऑलरेडी फॉरवर्ड कर दिया कि वो जाकर जो है वो ऑर्डर्स वगैरह दें। तो ऑर्डर्स में क्या क्या दिया ये जाके उनसे इन्फॉर्मेशन अभी दिलवाऊँगा आपको कि ऑर्डर्स में क्या क्या चीज़ें उन्होंने ऑर्डर किया है फ़िलहाल। तो करंटली राइट नाउ जो है हम इस वक्त हैं मॉडल कॉलोनी वाले रोड पर और ये हमारे लेफ्ट साइड पर जा रहा है एयरपोर्ट। और इस वक्त हम मॉडल कॉलोनी के सिग्नल्स पे मौजूद हैं और आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, क्या हुआ भाई, ऐसे लोग क्यों खड़े हैं? इज देयर एन एक्सीडेंट? नो देयर इज़ नो, हाँ या देयर इज़ एन एक्सीडेंट, बट इट्स ओके फाइन। हमें आगे चलना है अपने रोड की जाने, क्योंकि हम सुपर हाईवे जाएंगे इसी रोड से, ये कैंट वाला रोड है, और जाके देखते हैं कि कितना मज़ा आता है। तो फिलहाल दो दोस्त हमारे पहुँच गए हैं वहाँ पर, उस वक्त सारा इंतजाम वगैरह ऑर्डर शॉर्डर दे रहे होंगे वो। और आप लोगों को अगर ये पसंद आए व्लॉग तो ऑलरेडी नो के भाई डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक ऑन सब्सक्राइब बटन, बेल आइकन, ये तो रट्टा लगाया हुआ इंग्लिश में मैंने। तो अब सिनेरियो ऐसा है कि चलते जाएंगे इसी रोड पे और रमज़ान के दिन हैं तो कोई म्यूज़िक कोई साउंड और ये चीज़ें तो आपको मिलने वाली है नहीं, तो इसलिए फिर मैं ज़्यादा ट्रैवलिंग की वीडियो तो नहीं बनाऊँगा। अब हम मिलेंगे आपको सुपर हाईवे पर और फिर उसके बाद मिलेंगे आपको पाकिस्तान होटल पर, तो स्टे ट्यून। हाईवे मैंने कहा था सुपर हाईवे पे मिलते हैं, तो सुपर हाईवे हम पहुंच चुके हैं और हम अपनी लोकेशन से ज़्यादा दूर नहीं हैं। अभी हमें बस एक छोटा सा राउंड अबाउट लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें सुपर हाईवे के उस तरफ जाना है, पाकिस्तान होटल हमें उस तरफ मिलेगा। तो आई एम वेरी मच एक्साइटेड अबाउट टू बलोची टिक्का। और यू गाइस जो है ना क्या बताऊँ, बस एनी वे मुँह में जो है ना वो रोज़े के टाइम पर इस तरह की बातें करते हुए बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये कि अभी फ़िलहाल इस वक्त जो मैं जा रहा हूँ तो कोयटा और ग्वादर वाली जो पट्टी है, तो इस वक्त मैं जा रहा हूँ। आप सोच रहे हो कि यार ये कौन से रोड पे ऐसा घूम रहे हैं जो कोयटा और ग्वादर जा रहा है और ये बात कर रहा है सुपर हाईवे की, तो अभी आप लोगों को नज़र आ जाएगा कि हम लोग कौन से रोड पर हैं। इस वक्त हम सुपर हाईवे पे जो इस वक्त कराची जा रहा है और हम आए हैं कैंट के रास्ते से और ये रोड कराची जा रहा है। अब हम कोयटा और ग्वादर वाली जो टर्न है उसके ऊपर थोड़ा सा अपने आप को मूव ऑन करेंगे, लेकिन हम जाएँगे नहीं, जाएंगे हम अपनी ही लोकेशन पर कोयटा ग्वादर एंड हब। तो फिलहाल हम ये अब टर्न कर लिया हमने कोयटा और ग्वादर के लिए, तो हम कोयटा और ग्वादर घूमते हुए नहीं आएंगे कराची भाई, हम कराची में ही रहेंगे और लोकेशन आपको समझ में आ जाएगी जब हम अभी टर्न करेंगे अपनी जो मेन डेस्टिनेशन हैं उस तरफ। क्योंकि अभी हम यहाँ से एक रॉन्ग साइड कट लेंगे, क्योंकि सुपर हाईवे के ऊपर कट नहीं था तो मजबूरन हमें इतनी दूर आना पड़ा। और अहमद भाई देख रहे हैं पूरी गाड़ी इस वक्त फुल लिटा के ना बड़ा कुछ फुल शो शाम में, मतलब हमसे ज़्यादा एक्साइटेड है। आप गाड़ी की जो उनका कर्व है ना, आप कर्व देख लें वो कितने एक्साइटेड है इस वक्त, कि शायद वो हमें सोच ही नहीं रहे कि हम साथ हैं।
तो भाई बहुत मज़ा आ रहा है, मौसम बहुत खूबसूरत है और रोज़े का टाइम है, और रोज़े में इस तरह से राइड करने का मज़ा, मतलब क्या बताएं आपको, क्या क्या बताएं, क्या मतलब कैसे बताएं। तो आई थिंक आप लोग बोर ना हो जाओ, तो बस ये जो टर्न नज़र आ रहा है, हम यहाँ से राउंड अबाउट लेंगे और वापसी सुपर हाईवे के रोड पर आ जाएंगे, और अब हम मिलते हैं आपसे पाकिस्तान होटल पर, और फिर वहाँ से आपको टिक्के विक्के शिक्के जो भी है ना वो दिखाएंगे, और बाकी दुआओं में याद रखिएगा इंशाल्लाह। मिलते हैं फिर। सो फाइनली वी आर हेयर, हम पहुंच चुके हैं पाकिस्तान होटल, और PSO के पंप के बिल्कुल साथ जो है वो पाकिस्तान होटल है, और ये रही हमारी लोकेशन, और ये रोड सीधा जा रहा है, बताऊंगा नहीं, मैं नहीं बताऊंगा, और ये देखें बिल्कुल धुआंधार गाड़ी सब उठाती हुई अपने, ये फॉग 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 है। एनीवे हाँ, फाइनली वी आर हेयर पाकिस्तान होटल, और वो खड़ी हुई है हमारी गाड़ी, और वो खड़े हैं लोग इंतज़ार में कि वी आर हेयर। सो हम पहुँच गए हैं, और अब मुलाकात करवाते हैं आपकी बलोची दिक्कत के बाद। फाइनली पहुंच गए भाई, और टाइम स्टार्ट हो गया है, और इंट्रोडक्शन का टाइम बिल्कुल भी नहीं है, करवाऊंगा अजान के बाद, अजान होने वाली है, इंट्रोडक्शन वगैरह इन लोगों से करा दूंगा, ये लोग ऐसे ही हैं, अपने बंदे, बता देंगे बाद में भी जो अभी बताएंगे, ठीक है। तो फिलहाल अब रोज़े के बाद जो है ना वो छोटा मोटा आइटम तो आया हुआ है, बाकी बड़ा वाला आइटम दिखाता हूँ, ठीक है। रोज़ा खुल गया है, और जो है ना छोटा मोटा तो कुछ हल्का फुल्का कर लिया, अभी वो इतनी देर से इंतज़ार कर रहे थे कि जो है वो कुछ अच्छा लाएंगे, वो बलूची टिक्के की जगह बलूची चिप्स ले आए, आपको बलूची फ्राइज़ दिखाते हैं आप कि बलूची फ्राइज़ कैसी होती है, और उसके बाद देखते हैं कि बलूची फ्राइज़ में क्या मज़ा आता है, कुछ खा के देखते हैं, पहले आपको दिखाते हैं। ये आ गए भाई बलूची फ्राइज़, और सबसे पहले जो फ्राइज़ अंजाम दे रहे हैं ना इस फ्राइज़ वो वाले मैंने लिया, सबसे पहले फ्राइज़। भाई बताओ बलूची फ्राइज़ के बारे में थोड़े से कुछ हल्का फुल्का कुछ ऐसे बोल दो, कहा तो लिया है ना अहमद भाई, यार कुछ इसमें तो अच्छा पर नमक बड़ा, लेकिन ठीक है अनिल भाई, क्या आपके कुछ ताजुर आते हैं बलूची फ्राइज़ के हवाले से? भाई फर्स्ट टाइम ट्राई कर और भाई आपके? नहीं भाई फर्स्ट टाइम ट्राई कर भाई, बस मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई कि बलूची फ्राइज़ तो कहीं भी बलूची लिखा हुआ नजर आ नहीं रहा मुझे, तो चलेगा क्या आलू के अंदर लिखा हुआ है। चलो एक बार प्राइस ट्राई करें। फाइनली भाई बलूची टिक्के का इंतज़ार हुआ ख़त्म, और ये आप देखो बेसिकली इसमें क्या लगा हुआ है भाई? लहसुन। लहसुन बेसिक चीज़ नहीं है, लहसुन लहसुन बड़ा लहसुन अलॉन्ग विद चिली, ये सब चीज़ें लगी हुई, और ये आप देख रहे हैं रेसिपी वगैरह के बारे में ना, सोलह भाई खाने की बात बताएंगे, जो सारे लवाजमात है ना वो बाद में पता लगते हैं, लेकिन फिलहाल बहुत अच्छा है। मैंने कई दफ़ा खा चुके हैं, लेकिन इस दफ़ा जो है ना कुछ कढ़ाई वगैरह के साथ मंगवाया है, और आज बलूची फ्राइज़ भी जो है ना हमने एक्स्ट्रा रखी हुई थी, कढ़ाई आ गई है, लाइट की वजह से कम नज़र आ रही है, ऐसे सही नज़र आ रही नहीं आ रही, बस ठीक है जो भी। फिलहाल अभी स्टार्ट करते हैं, बाकी अफ्तार पार्टी के बाद बताएंगे क्या मज़ा आया, सारे तासुरात जो है अफ्तार पार्टी के बाद बताएंगे आपको। वो अफ्तार के बाद हुआ है ये वाला सिचुएशन, पूरी फाइनली भाई हो गया है अपना सारा पार्टी वार्टी का सीन, सब ये पीछे देख रहे हो, तीन सपाट खत्म हो चुका है। अब स्नैच हुआ कि बहुत ज़्यादा मज़ा आया, और बलूची टिक्का बहुत मज़े का था, साथ में बलूची फ्राइज़ भी खाए तो बहुत मज़ा आया, कढ़ाई बहुत अच्छी थी, तो बिल को इतना ज़्यादा नहीं भरा, अराउंड हमारा बना है कोई 3000 करीब, तो बिलिंग के हिसाब से भी बहुत अच्छा सेशन है, यहाँ पे सारी चीज़ें बहुत अच्छी रहीं, और मज़ा भी बहुत आया, और साथ साथ ये हो गया गैदरिंग हो गई बड़े दिनों बाद दोस्तों के साथ, बहुत इन्जॉय किया साथ में। अब ये करते हैं कि बस अब करेंगे यहाँ से निकलने का सीन, तो निकलते हैं फिर जाएंगे अभी हम ताज होटल पे, वहाँ पे हमें चाय पीनी है, चाय ज़रूरी है अवतार के बाद आपको पता है, तो अवतार के बाद चाय पिए बगैर तो आपको पता है फिर, मतलब हम कहते हैं कि क्या तुम हमारे चेहरे पर हंसी ला सकती हो, तो ये शेर किसी के लिए हम पढ़ रहे हैं कि क्या तुम हमारे चेहरे पर हंसी ला सकती हो, ये बताओ क्या तुम हमारे लिए चाय बना सकती हो, तो ये वाली बातें हैं सारी। तो फिलहाल बहुत मज़े का था सब कुछ, बहुत मज़े का था, और अब हम चलते हैं घर की जाने, फिर इंशाल्लाह दोबारा मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ट्रैक में, या फिर नेक्स्ट अच्छी जगह दिखाएंगे आपको, और आप बलूची टिक्का खाने ज़रूर आओ, बस मैं ये कहूँगा बहुत मज़े का है, बलूची टिक्का खाने ज़रूर आओ, और मिलते हैं फिर इंशाल्लाह बाद में, अल्लाह हाफिज़।